भारत। भारत देश एकमात्र वह देश है जिसकी पवित्र धरा पर सृष्टि के सृष्टा ने सर्वाधिक कृपा दृष्टि रखी है। यही कारण है कि परमात्मा ने सर्वाधिक अवतार इसी दिव्य, पुण्य और भाग्यशाली धरा पर लिए। तभी तो पूरा विश्व अनादि काल से भारत को ही विश्व गुरु मानता चला आया है। अवतारवाद की उसी पुनीत परंपरा में उस दयालु, कृपालु, निराकार परमेश्वर ने देश काल की आवश्यकता अनुसार नाना रूप धारण किए। परमात्मा के मुख्य रूप से दो प्रकार के अवतार माने जाते हैं। एक निमित्त कारण, जैसे भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी इत्यादि। दूसरे नित्य अवतार जो संत सद्गुरुओं के रूप में सदैव ही प्रकट होते रहे हैं। उसी क्रम में उस निराकार सत्ता में ईसवी सन 1884 में बसंत पंचमी के शुभ दिन नर रूप में श्री टेरी नगरी जिला कोहाट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में चली गई है, परमहंस सद्गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के रूप में अवतार लिया था। आपने बचपन से ही दिव्य, अलौकिक एवं चमत्कारी लीलाएं दिखानी प्रारंभ कर दी थी। कालांतर में आपने वैदिक परंपरा अनुसार परमहंस सद्गुरु श्री अद्वैतानंद जी महाराज से आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण की थी, जो कि अपने युग के बहुत ही विलक्षण एवं जन्मजात सिद्ध महापुरुष थे, जिनकी शिष्य परंपरा में अनेकों राजा, जैसे जयपुर के राजा माधव सिंह, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह, ग्वालियर के राजा सिंधिया जी जैसे दर्जन भर राजा थे। उन परमहंस दयाल सद्गुरु ने आपसे आगरा स्थित नगलापति नामक क्षेत्र में 13 साल तक घोर तपस्या कराई। आपने उस साधना काल में ऐसी अखंड समाधि लगाई कि आपके पवित्र आसन के चारों ओर लंबी लंबी घासें उग आई थी। यहाँ तक कि बया नामक चिड़िया आपके पवित्र एवं दिव्य शीश के बालों को उखाड़ उखाड़ कर अपना घोंसला बनाने लगी थी। अपने सद्गुरु की आज्ञा से जब आप तपस्या से उठे तो परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज के श्रीमुख से ये पवित्र शब्द निकल पड़े कि अब इन्हें राम कहो तो ये राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, कबीर कहो तो कबीर है और नानक कहो तो ये नानक है। ईसवी सन 1919 में अपने सद्गुरु के परलोक गमन के पश्चात आपने ऐसा शरणागति चक्र चलाया कि आपके दिव्य तेजयुक्त आभा मंडल के श्री दर्शन करके एवं दिव्य वचनामृत को श्रवण करके बड़े बड़े घरानों के शिक्षित युवक युवती अपना सर्वस्व अर्पण करके आपके श्री चरणों में समर्पित होकर अपना अनमोल मानव जीवन सार्थक बनाने लगे। आपके शरणागत सन्यासी शिष्यों की संख्या आपके देहावसान सन 1936 तक लगभग 1400 थी। आज तो उनके शिष्यों के भी सन्यासी शिष्यों की संख्या हजारों में है तथा विश्व भर में हजारों ही उनके पवित्र आश्रम हैं। अपनी मौज अनुसार आपने अप्रैल 1936 में श्री नंगली तीर्थ जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में महासमाधि ले ली, जो कि आज विश्व भर के सतगुरु भक्तों के लिए ऐसा दिव्य एवं अलौकिक आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है, जहाँ की सीमा में प्रवेश करने मात्र से ही जीव को ऐसी परम शांति अनुभव होती है कि जिसको शब्दों द्वारा व्यक्त करना असंभव है। सैकड़ों भक्तजन प्रतिदिन ही देश विदेश के कोने कोने से यहाँ आते रहते हैं।
उन्हीं परम दयालु सद्गुरु देव श्री नंगली निवासी भगवान की परम पावन महिमा के रूप में यह सीडी प्रस्तुत की जा रही है, जिसे उन्हीं के श्री चरणों के उपासक महात्मा श्री वेदानंद जी पुरी ने गाया है।